नमस्कार। आज हमारा डिस्कशन पॉइंट है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी का मतलब ये है कि हर आदमी पूरा दिन भर कमाता है या महीने भर कमाता है या सालों साल भर नौकरी करेगा और खर्चा करेगा, नौकरी करेगा खर्चा करेगा, तो उससे कोई ऐसा कोई तरीका है क्या कि जैसे हमने जितना ज़रूरी है उतने साल ही काम किया, फिर हमको वो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब पैसा कहीं से आते रहेगा, हम मतलब आज़ाद हो जाएंगे वो चक्कर से। तो उसके लिए आज ये डिस्कशन पॉइंट है। आर्थिक आज़ादी पाने के लिए आपको 6 स्टेप करना होगा। ये 6 स्टेप आप कर लोगे तो आप आर्थिक आज़ादी पा सकते हो। ये 6 स्टेप एक्चुअली बहुत हार्ड है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आप अगर चाहे तो अगर सही ढंग से आप करोगे, इसमें कुछ समय लगेगा आपको, 10 या 12 साल, 15 साल या 20 साल, ये समय लग सकता है। लेकिन आप अर्ली एज में शुरू कर दोगे और ये फंडा अगर आप समझ जाओगे, मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आप मैक्सिमम 15 से 20 साल में आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हो। आपको उसके बाद नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो 15 साल आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी वो 15 साल में या 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाता है तो वो उसकी ही गलती रहती है, क्योंकि उसने सही ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है इसके लिए। तो सही ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपको कमाई करनी पड़ेगी। इनिशियली स्टेज पे आप यही है कि आप पढ़ाई कर लो अच्छी खासी या फिर कुछ काम सीख लो, उसके बाद आप नौकरी शुरू करोगे, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। भले वो 10,000 का जॉब कर लो या 1 लाख रुपये का जॉब कर लो, जैसे जैसे आदमी की पढ़ाई रहती है और जैसे नौकरी मिलती है या अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, जैसे जैसे वो फील्ड अलग अलग फील्ड में अलग अलग कमाई होती है, लेकिन हर आदमी आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकता है। ये मेरा मानना है कि आप 10,000 कमाओ या 15,000 कमाओ, फिर भी आप अगले 20 साल में आर्थिक आज़ादी पा सकते हो। आपको उसके बाद नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या आपका इनकम लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप केवल नौकरी पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो फर्स्ट स्टेज ये है कि आपको कमाई शुरू कर देनी चाहिए अच्छी खासी, और जैसे ही कमाई कंप्लीट कर आपने शुरू कर दी तो फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। ये बहुत आसान है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज आता है कि आप सेविंग्स करना, क्योंकि आप 10,000 कमाओ और 10,000 पूरा खा लो या 20,000 कमाओ 20,000 पूरा खर्चा कर लो, 50,000 कमाओ 50,000 पूरा खर्चा कर लो, इससे बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। आप खाली फर्स्ट स्टेज में रह जाओगे, कमाई के बाद आप सेविंग नहीं करोगे, कमाई करके खर्चा कर दोगे तो आपको सेकंड स्टेज भी नहीं क्रॉस कर पाओगे और आपकी लाइफ बीत जाएगी। उसमें होगा क्या कि आपको पूरा लाइफ काम करना पड़ेगा, और मालूम पड़ा जिस दिन आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो उस दिन आपको कोई खिलाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास पैसे है नहीं, क्योंकि पैसा ही हर वक्त काम आता है। आप बच्चे रहोगे तो फिर भी पैसा चाहिए, आप बूढ़े हो जाओ फिर भी पैसा चाहिए, और बुढ़ापे में दवाई वगैरह का बहुत खर्चा आता है। तो आपको सेविंग्स करना ही करना है, और सेविंग्स भी इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा सेविंग्स करना चाहिए। क्योंकि दो आदमी समझो 10,000 की कमाई कर रहे हैं, एक आदमी 2,000 की सेविंग कर रहा है, एक आदमी 4,000 की सेविंग कर रहा है पर मंथ की बात कर रहा हूँ, तो
जो 4,000 सेविंग्स कर रहा है वो जल्दी से उसको आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। उसके स्टेप हम बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे, आज खाली पहले आपको 6 स्टेप बता देता हूँ कि जैसे आपने कमाई कर लिया, कमाई के बाद तुरंत ही भले आपका पेमेंट 3,000 हो 4,000 हो, लेकिन वहाँ से आपको 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया से भी आपको सेविंग कंपलसरी चालू करना है। ऐसा नहीं कि आपने 4,000 का नौकरी शुरू किया और सोचोगे मेरा 8,000 जब होगा या 6,000 होगा तब मैं सेविंग करूँगा। नहीं, जितना आप पेमेंट कमा रहे हो, जितना आप पा रहे हो पैसा, उतने में ही आपको सेविंग्स करना ही करना है। जैसे सेविंग्स कर लिया उसके बाद थर्ड स्टेप आता है बीमा। ये सभी जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये नंबर के हिसाब से ही करना। नंबर इधर उधर करने गए तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो और वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। थर्ड स्टेप है बीमा। बीमा आपके पास कम से कम 3 तरह का बीमा होना चाहिए। बीमा क्यों जरूरी है? क्योंकि बीमा आपको गरीब नहीं होने देता है, आपका फैमिली को बर्बाद नहीं होने देता है। हो सके कि आप अपने परिवार में अकेले कमा रहे हो या आपके वाइफ जो पार्टनर है वो भी कमा रहे हैं, तो अगर गलती से आपका डेथ हो जाता है तो या तो 50% आपका इनकम, परिवार का जो इनकम आपने आप अर्न करते हो 50% या 60% 70%, या कोई कोई अकेला आदमी रहता है तो पूरा 100% वहीं से आता है। जो आदमी नौकरी करता है वहीं से उसका परिवार चलता है। इस हालत में अगर गलती से वो कमाने वाला आदमी मर गया तो उसके परिवार पूरा रास्ते पे आ जाता है, उसके बच्चे का पढ़ाई या शादी बहुत तकलीफ से होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हो तो जाता है लेकिन इतनी तकलीफ होती है कि जिसके घर में ये प्रॉब्लम आता है ना वही समझ सकते हैं। और ये आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया जीवन बीमा। उसके बाद आपको सेकंड बीमा करना है। और आपके पास बाइक या 4 व्हीलर कार रहेगी तो उसका वो मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करना है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि हो सके आपका समझो 50,000 का बाइक है या 1 लाख का बाइक है, आपकी इतनी कैपेसिटी के आपके जो कैपेसिटी उसके हिसाब से आपका वाहन रहता है। हाँ, कि ऐसा तो है नहीं कि आप आज एक गाड़ी चोरी हो गई कल दूसरी खरीद के लेके आ जाएंगे, या हर महीने गाड़ी बदल सकते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गलती से आपको 1 लाख का गाड़ी चोरी हो गया या जल गया तो होता क्या है कि आपको वो फाइनेंशियल बोझ पड़ता है अपने पे। जैसे फिर आपको अलग से वो 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा और नई बाइक खरीदनी पड़ेगी, भले वो आप हफ्ते से लो या कैश लो। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रेजेडी हो सकती है, इसके लिए बाइक इंश्योरेंस भी रखना ज़रूरी है। और बाइक इंश्योरेंस में दूसरा एक पॉइंट है कि गलती से आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपके बाइक के साथ दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर सामने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आपके जेब से 50,000 से लेकर के 2 लाख 3 लाख 5 लाख कितना भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास समझो कि 1,000 रुपये का इंश्योरेंस है तो आपको इतने सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है कि आपका गाड़ी से किसी का टक्कर हो गया, उसका वो भाई का या बहन का पैर टूट गया, तो उसका इलाज बहुत महंगा रहता है, वो पूरा इलाज आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। और जो अगर गलती से सामने वाला मर गया तो उतनी तकलीफ होती है, क्योंकि 2 लाख 3 लाख मेरे सामने केस हुआ था कि जगह पे उसको 3 लाख 4 लाख भरना पड़ा था। उसके बाद थर्ड इंश्योरेंस है मेडिक्लेम का।
मेडिक्लेम एक्चुअली अभी बहुत सारी कंपनी दे रही है या अपने गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, तो उसको एक्टिव करके रखना है। अगर नहीं है या आपके चाहिए तो और भी आप बाज़ार से मेडिक्लेम खरीद सकते हो। मेडिक्लेम भी यही चीज़ है कि आपको गलती से मेडिक्लेम का प्रीमियम रहेगा साल भर का, समझो पूरा फैमिली का 6,000 या 8,000। होता क्या है कि मेडिक्लेम में साल का गारंटी रहेगा कि आपका 6 या 8 हज़ार चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपका पैसा नहीं जाएगा। आपका अगर 2 लाख का भी मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ा पूरे परिवार में तो वो हो सकता है। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में डिटेल करेंगे। तो आपके पास कमाई चालू हो गई, सेविंग्स चालू हो गई, उसके बाद इंश्योरेंस, आपके लॉन्ग टर्म जितने भी गोल है, आपके लड़की का शादी या बच्चे का पढ़ाई, ये सब लॉन्ग टर्म गोल बोले जाते हैं, तो उसके लिए हो सके तो बीमा के थ्रू ही। बीमा में भी जो मेन गवर्नमेंट की बीमा कंपनी है LIC, उसके थ्रू ही जाने का। उसके बाद ये तीनों हो गए। उसके बाद फोर्थ नंबर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका टर्निंग पॉइंट रहता है, क्यों आपने सेविंग्स कमाई कर ली, सेविंग कर ली, इंश्योरेंस भी जितना ज़रूरी है उतना ले लिया, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप आर्थिक आज़ादी पा सकते हो। अभी किसी किसी को ये लगेगा कि हम बीमा नहीं करें, सीधा इन्वेस्टमेंट में चले जाएं। इसमें होता क्या है कि आप कमाई करने वाले आदमी हो आपके परिवार के लिए, और गलती से आप अगर चले जाते हो इस दुनिया से, तो इन्वेस्टमेंट आपको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। होता क्या है कि आपने समझो 5,000 रुपया बीमा में भरा, उसके लिए आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिला, और यही 5,000 आपने इन्वेस्टमेंट में डाला, और इन्वेस्टमेंट में आपने 5,000 डाला। अभी दोनों में होगा क्या कि बीमा में आप अगर गलती से मर जाओ तो 5,000 का सीधा 2 लाख रुपया होके आएगा, और इन्वेस्टमेंट में 5,000 है उसका जो भी इंटरेस्ट है 5,200-5,400 रुपया वही मिलेगा। तो कहाँ 5,000, कहाँ 2 लाख रुपया, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ही जानेगा। इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा इन्वेस्टमेंट से आपके पास थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा, और उससे आपको संपत्ति खरीदना है। संपत्ति माने आप अच्छी जगह पे कोई शॉप खरीद सकते हो, या जमीन खरीद सकते हो, या कोई भी ऐसी संपत्ति जिसमें से आपको वापस पैसा मिले। वो संपत्ति इतनी हो जानी चाहिए कि आपका 6 स्टेप है आवक और खर्च, जितना आपका खर्चा है वो संपत्ति में से उतने या उससे ज़्यादा। साल भर में आप समझो 3 लाख रुपया खर्चा कर देते हो आपका पूरा परिवार समेत, तो आपको कम से कम इनकम होनी चाहिए वो संपत्ति से, आपका नौकरी से नहीं, वो संपत्ति से, कि आप उसमें से 3 लाख खर्चे से इनकम संपत्ति से इनकम करीब 4 लाख रुपया होनी चाहिए, और खर्चे में आपका केवल परिवार का खर्चा, खाना खर्चा नहीं, पूरा मतलब पेट्रोल से लेकर के समझो कि आपके पास बिल्डिंग है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, या जो भी आने वाली साल में जो खर्चा होता है, या समझो आप एक आपके पास बिल्डिंग है और हर 3 साल में आप उसको पेंट करते हो, तो वो पेंट का खर्चा से लेकर सब खर्चा गिन के उससे ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए। किससे? थ्रू आपका जो संपत्ति है उससे। तो ये है 6 स्टेप। कल से हम ये 6 स्टेप पे बारीकी से डिस्कशन करेंगे कि आप जैसे कमाई आपने शुरू कर दिया, तो वो कमाई आपको कैसे बढ़ाना है।
आपने सेविंग्स कर लिया तो सेविंग्स कैसे बढ़ाना है, आपने इंश्योरेंस इंश्योरेंस के बारे में सीखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए, व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए, मेडिक्लेम में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में बात करेंगे कि हम ज़्यादा पैसा नहीं होते हुए छोटी सी बचत में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जहाँ से आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले, ब्याज ज़्यादा मिले। और बात और संपत्ति के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सी संपत्ति रहती है जो सबसे सेफ है, जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।